दोस्तों सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों। दोस्तों यह कथा बहुत ही मार्मिक है, जरूर सुने, सुनकर लाइक भी करें। चलिए कथा की ओर चलते हैं। आज की कथा है एक बूढ़ा ब्राह्मण और वृंदावन के पुजारी। आइए कथा श्रवण करें। एक बार कलकत्ते से बूढ़े ब्राह्मण श्री बिहारी जी के दर्शन के लिए वृंदावन आए तो प्रभु से मिलने के बाद वहीं के हो गए। उन्होंने मंदिर के गोस्वामी जी से सेवा मांगी तो स्वामी जी ने कहा, बाबा इस उम्र में आप क्या सेवा कर पाओगे? बाबा ने बहुत विनती की तो स्वामी जी ने श्री बिहारी जी की चौखट पर रात की चौकीदारी की सेवा लगा दी और कहा, बाबा आपको यह ध्यान रखना है कि कोई चोर उचक्का मंदिर में प्रवेश न कर पाए। बाबा ने बड़े भाव से सेवा स्वीकार की। कई वर्ष बीत गए सेवा करते हुए। एक बार क्या देखते हैं कि बिहारी जी आधी रात को चल दिए सेवा कुंज की ओर, तो बाबा भी चल दिए उनके पीछे पीछे। सेवा कुंज के नजदीक पहुंचने पर बिहारी जी थक गए। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो बाबा भी उनके पीछे थे। उन्होंने बाबा से कहा कि मैं बहुत थक गया हूं, आप मुझे सेवा कुंज तक तो पहुंचा दो। बाबा श्री बांके बिहारी जी को अपने कंधों पर बैठाकर सेवा कुंज की चौखट पर ले गए। प्रभु ने बाबा से कहा, मुझे यहीं उतार दो और मेरा इंतजार करो। बाबा के मन में आया कि प्रभु इतनी रात में सेवा कुंज में क्या करने आए हैं। जानने की इच्छा से उन्होंने आले से झांक कर देखा तो उन्हें दिव्य प्रकाश नजर आया। उस प्रकाश में उन्होंने श्री बिहारी जी को श्री राधा जी संग रास करते हुए देखा। बाबा की हालत पागलों जैसी हो गई और गिरकर बेहोश हो गए। सुबह बिहारी जी ने बाबा को पुकारा और बाबा से कहा, बाबा मुझे मंदिर तक नहीं ले जाओगे? बाबा ने बिहारी जी को सुबह 4 बजे मंदिर में पहुंचाया और गोस्वामी जी से सारा वृतांत कहा। गोस्वामी जी मंगला आरती के लिए बिहारी जी को उठाने लगे तो बाबा ने उनके पांव पकड़ लिए और कहने लगे, मेरे गोविंद अभी तो सोए हैं। दोस्तों कहते हैं कि उसी दिन से साल में जन्माष्टमी को छोड़कर कभी भी श्री बांके बिहारी जी की मंगला आरती नहीं हुई और उसी दिन ही श्री बिहारी जी ने उस बाबा को अपने सेवा धाम में बुला लिया। बोलिए श्री कुंज बिहारी जी की जय, श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। दोस्तों आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।